तो है गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं अशरफ, आप देख रहे हैं अशरफ गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10। जो कि लास्ट एपिसोड आप लोग देखे होंगे, हम लोग एक एन्चेंटिंग टेबल बनाए थे, एन्चेंटिंग रूम, लेवल 30 का एन्चेंटिंग रूम बनाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लो। तो हाँ, फ़िलहाल मैंने थोड़े बहुत विलेजर्स को लेके आया हूँ, तो वो विलेजर्स को लेके आने का वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ, तो बाद में मैं ये विलेजर्स का जगह दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलो वो वीडियो देख लो आप लोग, बाद में हम मिलते हैं फिर से यहीं पे। तो ये देखो भाई लोग, मैंने ये विलेजर्स को यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, ये आइस वाले बायोम में से, जो कि मेरा एक्सपी फार्म है ना, बगल में छोटा विलेज है उसमें से मैं ले लगाता हूँ। अरे बोर्ड क्यों नहीं दिखा रहा भाई, चढ़ जा, चढ़ नहीं पा रहा क्या? एक सेकंड सो के उठ के देखता हूँ मैं, होगा तो देखेंगे। तो इसको तोड़ लेता हूँ मैं, तो यहाँ से फिर से देखता हूँ, नहीं हो रहा है भाई। एक सेकंड रिस्टार्ट करके देख लूँ क्या, जब होगा क्या देखता हूँ। एक सेकंड रिस्टार्ट करके आता हूँ मैं फिर से। तो रीस्टार्ट करके आ चुका हूँ मैं, तो विलेजर कहाँ गया? अरे नीचे चल गया भाई विलेजर, इसीलिए ना तो नहीं टूट रहा था, मेरे पास वाटर बकेट है, फिर चलता हूँ मैं नीचे। तो यहाँ से इस विलेजर्स को मैं घर ले चलता हूँ, घर ले चलने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं ये विलेजर्स को। तो मैं घर के पास आप लोगों को मिलता हूँ, इसे ले जाने इतना मुश्किल लगा ना भाई, क्या बोलूँ मैं। तो फाइनली मैंने ये विलेजर्स को ऐसे ला के, मैंने इन लोगों को ब्रीडिंग करवा के मैंने बच्चे भी पैदा कर दिया है। तो यहाँ पे दो विलेजर्स से एक विलेजर्स मर चुका है और एक बच्चा है, ज़ॉम्बी आके रात में उन लोगों को मार दिया। तो छोड़ो उसको, तो अब जाके हम लोग एक आयरन गोलम को बना देते हैं, क्योंकि आयरन गोलम ही इन लोगों का रक्षा करेगा। तो मेरे शीप्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है भाई, तो इनको फ़िलहाल मैं खाना खिला देता हूँ, उसके बाद मैं जाके उन लोगों को ब्रेड देके उन लोगों को बड़ा कर देता हूँ बच्चों को। तो इन लोगों को खाना खिलाना भी ज़रूरत है भाई। तो ये देखो भाई लोग, मेरे शीप्स भी कोई भी मार के जा रहे हैं आके, पता नहीं वो कौन है। मेरे बगल में वुल्फ, काफ़ी ज़्यादा वुल्फ फिर रहे हैं, तो वो आके मार के जा रहे या नहीं पता नहीं मुझे। तो इनको भी ब्रीडिंग करवा दिया मैंने, तो अब फ़िलहाल मैं जाके थोड़े बहुत वीट कट करके ब्रेड ले जाके उन लोगों को ब्रीडिंग करवा देता हूँ मैं। तो मैंने फसल काट के लेके आया हूँ इन लोगों को ब्रेड देने के लिए, ब्रेड भी बना दिया मैंने, तो अब जाके इनको ब्रेड बना के ब्रेड दे देता हूँ फ़िलहाल, जो कि उसके बच्चे के खिला के वो बड़ा कर देगी, सॉरी कर देगा, क्या बोल रहा हूँ भाई। तो बड़ा करने के बाद वो बच्चा भी हमको ज़्यादा विलेजेस ला के देंगे दोनों ब्रीडिंग करके। तो फ़िलहाल उसको ब्रेड दे दिया, तो अब मैं यहाँ पे एक आयरन गोलम स्पॉन करने वाला हूँ। तो आयरन गोलम को ऐसे ही स्पॉन करते हैं, ये पम्पकिन को मैं काटना भूल गया भाई, पम्पकिन को काटता हूँ एक को, उसे पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन इसे शियर से काट के एक मुँह जैसा बनता है इसका, तो उसी से ही आयरन गोलम को स्पॉन कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे बनता है वो, अरे नहीं 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 बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, हाँ बाहर नहीं जाना, ठीक है अंदर ही रहो। तो देखो इसको ऐसा बना देता हूँ मैं, तो आयरन गोलम बन गया हमारा, तो अब ये ही इन लोगों का रक्षा करेगा। तो फिलहाल इनको ऐसे ही छोड़ के हम लोग चलते हैं बाहर। तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग विलेजर्स को घर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास विलेजर्स तो है लेकिन उन लोगों को रहने के लिए अच्छा ढंग का घर नहीं है। वो लोग कितने दिन कह के हमारे वो डर्ट के घर में रहेंगे, तो इसीलिए मैंने उन लोगों को एक घर बनाने के लिए सोचा है। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए सामान जमा करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ सामान जमा होने के बाद।
फाइनली मैंने पूरा का पूरा काम निपटा के आ चुका हूँ और विलेजर्स को घर में ला चुका भी हूँ। तो ये देखो, वो है हमारा घर, विलेजर्स के लिए मैंने बनाया था। सॉरी आप लोगों से, ये वीडियो डिलीट हो चुका है, पता नहीं भाई। ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट किया, मैंने देखा है रिकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन मेरे डिवाइस में ये वीडियो सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरा ये एक फ़ोन में एक ग्लिच चल रहा है मेरा। क्योंकि 1 घंटे का वीडियो मैंने इसको 2 घंटे से बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो 1 घंटे का ही रिकॉर्ड करके दूसरा घंटे का डिलीट करता है। मेरा फ़ोन में ऑटो क्लियरेंस सिस्टम है, तो वो क्या करता है ना, वो स्टोरेज को ज़्यादा रहने नहीं देता, तो इसीलिए वो दूसरा घर बनाने का वीडियो डिलीट हो चुका है। तो मैंने काफ़ी मेहनत से इस घर को घर वो बनाया था, रिकॉर्ड करा था, लेकिन मेरा फ़ोन इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप सभी लोग इस वीडियो के लिए एडजस्ट तो कर सकते हो आप लोग, तो इस एक वीडियो के लिए ही एडजस्ट कर लो भाई लोग। तो मैंने अब यहाँ पे इस काम के लिए आया कि मैंने विलेजर्स के लिए थोड़े बहुत बेड्स लेके जाने के लिए आया हूँ। तो मैंने बेड्स क्राफ्ट करके ले जाके विलेजर्स को रख देता हूँ वहाँ पे। और भी थोड़े बहुत विलेजर्स बाकी है, मैं वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, ले जाना है उसको, उन लोगों को, तो उन लोगों को ले जाता हूँ। फिलहाल अब मैं जाके वहाँ पे बेड्स रख के उन लोगों को लेके आने का वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो आप लोगों, तो फाइनली मैं पूरे के पूरे विलेजर्स को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और थोड़े बहुत बेड्स लगा रहा हूँ उन लोगों के लिए। तो ये पूरे के पूरे विलेजर्स मैंने लेके आ चुका हूँ, और यहाँ ये दोनों लोग विलेजर्स हैं। मेरा एक विलेजर बड़ा होकर लाइब्रेरियन को जॉब भी ले लिया है, तो ये थोड़े बहुत बच्चे भी और बच्चे हैं, तो इन लोगों को मैं और थोड़ा बहुत जॉब दे देता हूँ। मेरा एक स्ट्रेचिंग टेबल और एक लैटन एक और रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं बाहर चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने विलेजर्स कितने लोगों को लाया है। तो हाँ, ये सारे के सारे बच्चे हैं, ये छोटे 4 बच्चे या 5 बच्चे तो होंगे, तो उन लोगों को ले के आ चुका हूँ मैं। तो अरे विलेजर, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मैंने तुझे ले के आके वहाँ छोड़ा था, तो यहाँ आ गया? अरे यार, कैसा आया तू बाहर? ठीक है, फिलहाल इसमें बैठ जा, तू ले के चलता हूँ तुझे। तू चल बैठ यार, बैठ यार, बैठेगा नहीं क्या? अरे बैठ जा यार, बैठ यार, नाटक कर रहा है क्या तू? बैठ जा। हाँ बैठ गया, ठीक है। इसको अब मैं खींच के ले चलता हूँ यहाँ से, इस ग्रास को तोड़ना पड़ेगा मुझे, और इसे यहाँ से खींच कर ले चलता हूँ लीड के मदद से। तो आजा भाई, चलते हैं हम लोग बाहर। तो 1 सेकंड रुको, मेरे वहाँ पे कुछ छोड़ा है क्या, देख के आता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आयरन गोलम छोड़ के आ चुका हूँ मैं भाई। लिटरली ये आयरन गोलम ना मेरे विलेजर्स को बचाया या नहीं मुझे पता नहीं, इसको ला के रखने के बाद मेरे विलेजर्स मर नहीं रहे थे, तो इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आयरन गोलम तुझे। थैंक यू मत बोलो इसलिए, ठीक है, तेरा काम ही है वो, ठीक है। भाई ये आयरन गोलम ना अगर खो गया तो मेरे पूरे के पूरे 31 आयरन इंगट्स वेस्ट हो जाएंगे भाई। 31 आयरन इंगट्स के बदले में ये 5 ही देता है, इसको स्पॉन होने के बाद अगर इसको मार दें तो ये 5 आयरन ही देता है, 5 आयरन से बढ़ के से नहीं देता, तो इसे खोना नहीं चाहता मैं। मेरे इसमें 31 आयरन बेकार गए हैं इसमें, तो बेकार नहीं बोलूँगा क्योंकि ये रक्षा कर रहा है हमारे विलेजर्स को। तो फिलहाल इसे भी मैं यहीं पे ला के रख दिया। तो अब देखता हूँ वो विलेजर्स को लेके आना है मैं, जे वो विलेजर वहाँ पे कैसे गया पता नहीं मुझे, हाँ।
इस विलेजर्स को ले चलता हूँ मैं। आ जा यार, भागा कैसे बाहर? असल मुझे पता नहीं भागा कैसा तू। लिटरली भाई, इतने मैंने फेंसेस लगाए, कोई विलेजर बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ये आ गए। भाई तुझे हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है तुझे। बाहरी डायरेक्ट बाहर ही निकल के आ जाए, इतना दूर नहीं आना है तुझे, थोड़ा अंदर आ जा। हाँ बस काफ़ी है, काफ़ी है। तो लीवर को दबा दिया मैंने भाई, तो इसे यहाँ लाने का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो इसको फेंस को तोड़ देता हूँ मैं। तो इस फेंस को तोड़ के मैं खींच के ले आता हूँ अंदर इसको। तो आ जा, हाँ ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे फेंस डोर लगा देता हूँ, जो कि मैं उस विलेज से तोड़ के ले आया था, मतलब उस हाउस से। तो इस बोर्ड को भी तोड़ के मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो भाई मेरे सारे के सारे विलेजेस थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये फिशरमैन की जॉब ले रहे हैं। फिशरमैन की जॉब लिए है, कैसे लिए है फिशरमैन की जॉब? मैंने यहाँ पे कोई बैरल्स नहीं रखा है, ये भी फिशरमैन ही है भाई। जो कुछ भी विलेजेस मेरे बड़े हैं, वो सारे के सारे फिशरमैन बन गए क्या? भाई मैंने एक बैरल भी यहाँ पे नहीं रखा, ये देखो आप लोग, मैंने एक बैरल भी नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल के अलावा। ये क्राफ्टिंग टेबल कोई जॉब नहीं है, तो ये फिशरमैन बन कहाँ रहे? पता नहीं, ये लोग कोने में आके क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है कोने में क्यों कर रहे हैं। मेरे सारे के सारे विलेजर्स फिशरमैन ही बन रहे हैं। ये दो बच्चे हैं, भी बड़ा होना है इन लोगों को। तो ये दोनों फिशरमैन ले लिया है जॉब, कहाँ से पता नहीं मुझे। तो फिलहाल इसको तोड़ देता हूँ मैं। तो अरे नहीं 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 बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। तू बाहर कहाँ जा रहा है यार? नहीं, बोर्ड में बैठ, बोर्ड में बैठ। इसको तोड़ के आता हूँ फिलहाल, इसको मुझ देते, ये बाहर ना आए भाई। भाई जिद्दी विलेजर से भाई बाहर के लिए तोड़ रहे हैं, जब मैं फेंस के गेट खोल रहा हूँ तो तोड़ रहे हैं बाहर। क्या है भाई, ये भी देखो डोर खुला है नहीं, आ गया बाहर। फिलहाल इसको ले चलता मैं अंदर, काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था ये बाहर आने के लिए। तो इसको तोड़ देना है मुझे, ये आना होगा इसको। तो फिलहाल इसको तोड़ देता हूँ बटन को भी। तो आ जा भाई अंदर आ जा। तो गेट खोलूँगा तो ये बाहर नहीं आएगा ना, तो यही दिक्कत है भाई इन लोगों की। तो आ जा अंदर, आ जा आ जा, आ जा भाई आ जा अंदर, आ जा अंदर आ यार। अरे गाँव तू क्यों बैठी अंदर उसमें, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल यार। तो दूर जाओ सभी लोग, ये अंदर को बुला कर आ रहा हूँ, इसको लो। आ जा अंदर, आएगा नहीं। अरे अरे भाग मत, भाग मत। तो इसमें बैठने के लिए तू भाग क्या है यार? अबे यार आ जा। तो इसको भी तोड़ देता हूँ मैं फिलहाल, आ जा बाहर अंदर, आ जा अंदर, आ जा। तो फाइनली मैं पूरा पूरा काम निपटा के आ चुका हूँ, और विलेजर्स को घर के अंदर लेके आ चुका हूँ। तो ये फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये थोड़ा बहुत बोन है, मैंने रात को ज़ॉम्बीज को मारने का मुझे मिला है। तो फिलहाल आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ गाइस 100 व्यूज़ एंड 50 लाइक्स का एम रख रहा हूँ मैं, तो आप कंप्लीट कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के लाइक्स और चैनल ग्रो हो सके। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।